वेलकम टू बात पते की दोस्तों, लेके आ गए हम आज फिर से एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। आज दोस्तों हम Realme 7 जो हमने ऑर्डर किया था, जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट आया है ये, और Realme 7 की अनबॉक्सिंग करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, मुझे भी अच्छा लगेगा यार, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वैसे मैंने पहले एक रिव्यू वीडियो अनबॉक्सिंग किया था Realme 6 को, तो मैं उसका रिव्यू भी डालूंगा, और मुझे अच्छा लगा एक्चुअली वो, इसीलिए मैंने ये दोबारा से एक और ये फ़ोन ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। 64 MP क्वाड कैमरा है इसमें। Realme 6 में भी 64 MP कैमरा क्वाड कैमरा था, लेकिन वो जो था 64 MP वो सैमसंग का था, और इसमें सोनी का कैमरा लगा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है ये गेमिंग प्रोसेसर है। Realme 6 में भी गेमिंग प्रोसेसर ही था, लेकिन वो हीलियो G90 था, और इसमें अपडेटेड वर्जन है, ये हीलियो G95 है। और थर्ड पॉइंट इसका है 30 W डार्ट चार्ज। जो पहले वाला था वो 30 W का चार्ज था, वो फास्ट चार्जर था, बट लेकिन ये उससे भी ज़्यादा फास्ट है। तो दोस्तों जो पहले वाला जो था Realme 6 वो फ्लैश चार्ज था 30 W, और ये 30 W डार्ट चार्ज है, ये उससे भी फास्ट चार्जिंग होगी। बैटरी की बात करें तो उसके अंदर 4300 mAh बैटरी थी, और इसमें बैटरी और भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपका यूजेज बहुत ज़्यादा है तो इसमें खुश होने वाली बात है, क्योंकि इसमें 5000 mAh बैटरी है। ऑलरेडी मैं Realme 6 के बैटरी बैकअप से बहुत खुश हूँ, क्योंकि चार्ज भी जल्दी से हो जाता है और उसका बैकअप भी अच्छा है। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें सेम जो है स्मूथ डिस्प्ले है, 90Hz अल्ट्रा स्पीड है, और Realme 6 के अंदर भी यही फीचर दिया हुआ है। तो चलो इसको फटाफट से हम ओपन करते हैं। आपने ये चेक करना है जब नया आप ये ऑर्डर करेंगे, मैंने फ्लिपकार्ट से किया है, तो इसकी सील जो है वो ना किसी तरह से भी जो है टैम्पर ना हो, आप ये देख लेना। दोस्तों ये हमने ओपन कर लिया है, इसके साथ हमें एक रिलायबिलिटी वेरिफिकेशन और बुकलेट इसकी, इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, सेफ्टी गाइड, Realme क्विक गाइड, और ये इसका बैक कवर है। ये सेम ही है जैसा Realme 6 का भी, इन्होंने लगभग ऐसा ही था वो। तो फ्रेंड्स ये है पहली लुक Realme 7 की। वेट में भी अगर मैं बात करूं तो ये लाइट वेट है, कोई हैवी वेट नहीं है। ये Realme 6 थोड़ा सा हैवी है इसे, और ये लाइट है। ऑन कर लिया हमने। इसके साथ हमें ये चार्जर और ये इसकी वायर चार्जर की। मुझे एक चीज़ की थोड़ी सी जो है मैं कहना चाहूँगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि Realme जो है वो ईयर प्लग्स नहीं देता साथ में, जबकि सब कंपनीज देती हैं, तो इनको भी प्रोवाइड करना चाहिए। Realme 6 में भी मेरी यही एक बात थी, और इसके अंदर भी इन्होंने नहीं प्रोवाइड की, कंपनी को प्रोवाइड करने चाहिए, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज देती हैं, Realme 6 को भी देना चाहिए।
इसमें हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। सारी सेटिंग्स दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इसमें फिल कर दीजिएगा। मैंने अभी स्किप कर दिया है क्योंकि मैं आपको इसका लुक कैसा है स्टार्ट होने पे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पीछे इसके ये 4 क्वाड कैमरा हैं और ये इन्होंने लुक थोड़ा सा चेंज कर दिया है रियलमी 6 से। अब ये बेटर लग रहा है एक्चुअली में और लाइट वेट है आप देख सकते हो। इसमें 2 वेरिएंट्स थे हमारे पास कलर्स में, एक वाइट भी था हमारे पास ऑप्शन और एक ये ब्लू। तो मुझे लगता है कि ब्लू एक अच्छा प्रोफेशनल लुक देता है इसीलिए मैंने ये ब्लू ऑर्डर किया है। अगर आपको वाइट पसंद है तो आप वाइट भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है काफ़ी अच्छा फ़ोन है और बहुत स्मूथ है, इसका डिस्प्ले बहुत स्मूथ है जब आप इसको यूज़ करोगे। मुझे पता है कि जो लोग 60 हर्ट्ज स्पीड पे ऑलरेडी यूज़ करते हैं अगर वो एकदम से 90 हर्ट्ज पे आएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा एक फ़ील आएगा, क्योंकि नॉर्मली कुछ फ़ोन्स में हमने देखा है जैसे कई फ़ोन जो हैं हैंग करते हैं यूज़ करते हुए, या इतनी ईजिली जो है उनका यूज़ नहीं कर पाते हम, एप्लीकेशंस नहीं खोल पाते हम। तो इसके अंदर ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे जैसे मर्जी फटाफट से एप्लीकेशंस आप देखो ओपन करो और ये बिल्कुल भी आपको हैंग नहीं करेगा और स्मूथ एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसका और ऑलमोस्ट सेम है रियलमी 6 और रियलमी 7, बस थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है ये। जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, एक तो बैटरी आपको क्यों लेना है रियलमी 7 अगर आप लोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगे बैटरी बैकअप इसमें बढ़ चुका है। जो ये डार्ट चार्जर है ये इसकी वजह से आप लोगे 5000 mAh बैटरी है, पहले 4300 थी, और फ़ोन लाइट वेट हो गया है पहले से। पीछे से लुक थोड़ा सा चेंज हो गया है, जो ये क्वाड कैमरा का लुक है ये चेंज हो गया है अभी और अच्छा लग रहा है, बेटर लुक है पहले से, कलर भी अच्छा है। और बाकी मैं इसको एक बार फिर से यूज़ जब थोड़ा करूँगा तो मैं इसका एक रिव्यू भी आपको दूँगा। और इस वीडियो को जो है आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें, मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूँगा। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे ये भी कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो, ताकि आपको सारे वीडियोज़ सबसे पहले देखने को मिलें। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ फ्रेंड्स, आप लोग तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू।